सो गाइज, ये है मेरे मामा जी। मम्मी खा रहे हैं गोलगप्पे क्योंकि मम्मी का कल व्रत है। ये कैसा करेला होता है, मैंने तो पहली बार देखा। सो गाइज, पंजाब में बेड़ा निकलता है, हमको नहीं पता, मैं पहली बार देखने जा रही हूँ नानी जी के साथ। नानी जी, क्या क्या मिलता है वहाँ? क्या क्या मिलता है? प्रसाद, कड़ी चौल और फुलकों का प्रसाद, कड़ाह का प्रसाद, छोलियों का प्रसाद, दलिया का प्रसाद। होता क्या है? होता क्या है ये? मतलब किद्दा, मतलब है? क्या चीज़ है बेड़ा? बेड़ा बेड़ा वो ख्वाजे का बेड़ा होता है, उसको मत्था टेक दे, जिसने सुखना सुखी होवे ना वो उतारते हैं बेड़ा। अच्छा, जिसने अपनी सुखना सुखी हो। अच्छा हाँ। और मेरी नानी ना नंगे पैर जा रहे हैं, ये देखो, क्योंकि वहाँ बेड़ा है, मतलब आया हुआ है ना, तो हम तो दूर ही रहेंगे, नानी जी लेने जाएंगे सामान, मैं दूर से वीडियो बनाऊंगी। थर्ड डे है नानी के घर पे, आज है मंडे, मम्मी और नानी जी का आज व्रत है, सावन का व्रत है। तो आज हम जाएंगे मंदिर, यहाँ के शिव जी भगवान के मंदिर। आपको सबसे मिला देती हूँ, नानी जी से तो मिला दिया था, पर मामा जी रह गए थे, नाना जी से भी मिला दिया था, तो मामा जी से आपसे आपको मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आज। सो गाइज, ये है मेरे मामा जी। मामा जी हेलो बोल दो, मुँह से बोलो। हेलो। तो ये है मेरे सबसे छोटे मामा जी है, मेरे दो मामा जी हैं, बड़े वाले मामा जी कहीं और रहते हैं, ये यहीं पे रहते हैं, और मेरी एक मासी भी है, एक ही मासी, दो मासी हैं, एक बाहर है, एक इन जिनकी शादी हो गई है वो नालागढ़ में रहते हैं, और एक मेरी मम्मी है। तीन बहनें हैं और दो भाई हैं। तो इनसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये मेरे मामा जी, सबसे छोटे मामा जी। और आपसे, आपको मैंने कल नाना जी और नानी जी से तो मिला ही दिया था, आपने देख ही लिया था व्लॉग में। तो मामा जी अपना नाम बता दो। विक्की। असली नाम भी यही है जसवाल। इनका नाम विक्की जसवाल है, बहुत अच्छे हैं, मतलब जो भी मांगो ना एकदम मिल जाता है। और नानी जी भी ऐसी है, नानी जी से भी मतलब अगर हम मांगेंगे भी नहीं ना तो नानी जी जबरदस्ती ही दिलाएंगे वो चीज़। अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं ना कोई सामान लेने घर का ही, तो नानी जी बोलते हैं कि ले लो कुछ, हम नहीं बोलते हैं फिर भी ज़बरदस्ती कुछ भी सामान ले आते हैं। तो अभी हमने जाना है, आप भी जाएंगे मंदिर हमारे साथ? जाएंगे आप? मैं, मम्मी, मामा जी और नानी जी, हम लोग जाएंगे शिव मंदिर, क्योंकि आज मम्मी और का व्रत है, तो आपसे तब मिलते हैं। सो गाइज, मामा जी जा रहे हैं काम पे क्योंकि उनका टाइम हो चुका है, नानी जी बहुत लेट कर रहे हैं,
नहीं तो मामा जी ने भी हमारे साथ ही जाना था। जा रहे हो ना? बाय। तो मामा जी चले गए हैं, अब मैं मम्मी नानी जी जाएंगे सिर्फ मंदिर। तो गाइस मुझे भूख लग रही थी तो अभी कुछ बनाया नहीं है। मैं और मम्मी जा रहे हैं बाजार। क्या लेने? बाजार दुकान डब रोटी लेने। डब गाइस आप सोच रहे होंगे डब रोटी क्या होती है। डब रोटी ये बर्गर होता है बंद, ये सिंपल मतलब यहाँ पंजाब में डब रोटी कहते हैं। सो गाइस अब हम लोग जाने लगे हैं मंदिर की तरफ। नानी जी, मम्मी और कालू मेरा भाई, तो मंदिर में मिलते हैं। कितनी दूर है? कितनी दूर है नानी जी? थोड़ी दूर है। हाँ। इसी दूर है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का मंदिर कैसा है। दिखाती हूँ, मैंने भी देखा, मैं पहली बार जा रही हूँ। तो गाइज ये देखो, ये है बेड़ा। ये बहा देते हैं ना, तो मतलब मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई थी, मैं बाज़ार चली गई थी, तो ये बहा देते हैं ऐसे पानी में कि मनोकामना होती है, वो मनोकामना पूरी करने के लिए ये होता है। ये है मंदिर। मम्मी अंदर गायें क्यों हैं? घर भी है एक साथ में, तो यहाँ पे गायें भी हैं, भैंस भी है। बच्चे हमारे साथ आए हैं, पीछा नहीं छोड़ते। सो गाइज अभी नानी जी पूजा कर रहे हैं, मम्मी की पूजा हो चुकी है, मम्मी तो फ्री हो चुके हैं। कितने साल हो गए इस मंदिर को? ये हमारे से पहले का है, बहुत पुराना, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। कितने साल? काफी साल हो गए। हम तो छोटे छोटे होते थे बचपन में, मतलब कि यहीं आते थे हम। बहुत पुराना मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। अब मैं आई हूँ तो बहुत चेंज हो चुका है ये भी पूरा बन गया है। ये शिवलिंग था एक छोटा सा यहाँ पे, पहले उधर माता का मंदिर था और एक यहाँ पे शिवलिंग था, बस और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। मतलब बहुत चेंज हो गया ना, ये बना दिया है ये, बहुत ये सब बना दिया, पहले नहीं था ये ना। ये है माता का, दुर्गा माता का मंदिर है। दुर्गा माता का मंदिर है ये वाला। ये था और ये था, और ये बहुत पुराना कुआं है। ये कुआं है? ये कुआं है, हम यहाँ पे पानी भरते थे आके। अच्छा, इसमें अब झाड़ू की। हाँ अब ये बदल गया, अब चेंज बहुत हो गया ना। शीतला माता का मंदिर, शीतला माता है। और ये तुलसी है, सबको पता ही है। और यहाँ के घर इतने सुंदर सुंदर है, और यहाँ पे इतनी धूप हो रही है ना, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है मेरे को चक्कर आ जाएंगे। चक्कर ना आए सही में यार, मैं छाँव में बैठ रही हूँ फिर भी ऐसा ही फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो गाइस एक घंटे बाद नानी जी आ गए हैं मत्था टेक के अंदर से, और मैं बाहर वेट कर रही थी इनका। इतनी गर्मी है ना यार, यहाँ पे चक्कर ही आ रहे हैं मेरे को तो। और मतलब हम जैसे लोग, हम हिमाचल के लोग नहीं सहन कर सकते यहाँ की गर्मी, क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ तो। बारिश भी नहीं हो रही है यार, बारिश भी होगी फिर भी गर्मी ही होगी। बाहर ना नानी के घर के बाहर सब्जी वाला आया है, और नानी जी सब्जी लेने गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं यहाँ पे सब्जी वाले। हमारे तो दुकानें होती हैं यहाँ पे, तो ऐसे आते हैं लोग फेरी लेके। भिंडी सारी बढ़िया ये जी, ना 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 खरीगा खरीगा पा, ना ना साथ नहीं लानियां। हां ना 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 चाली लानी आजा दा काट तुम, अभी तो खराब नहीं होनी है, मैं पूरी होनी है। बस होर पान लगे दसो, चल एक पासे पास चल, पहले उच्चे पर तू तो तू तू कटियां दो तो नेट से वीडियो पा लो। हां वो तो मेरी धी बनांदी है ना, वो बंसू करेला दिखाओ तो ऐसे छूना है। करेला हुंदा जी करेला है। अच्छा
ये कैसा करेला होता है? मैंने तो पहली बार देखा। बंद करेला होता है। बंसू करेला। बंसू करेला कड़वा होता है ना? कड़वा नहीं मिलता। 10 रुपए। ठीक है। सो गाइस, मेरी ना जब हम मंदिर गए थे ना मम्मी और के साथ, तो मेरी ना तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी घर आके। मेरे को उल्टी आई थी, तो मतलब तब से मेरी तबीयत ही खराब है। तो मैंने मंगवाया है, मतलब नानी जी ने मंगवाया है मेरे लिए माजा और लेज। कुरकुरे मंगवाए थे, लेज ले आया क्योंकि कुरकुरे थे नहीं। तो देखती हूँ इसको पी के खा के मेरा दिल ठीक होता है या नहीं।